So, आज हम करने वाले हैं एवेंट्स का आ, थीम क्योंकि आई थिंक इसके साथ में हमारे सारे जो थीम्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे आई डिड नॉट गेट टाइम कि मैं इसको हैंडराइट करूँ तो इसके लिए ऐसे काम चलाना पड़ेगा ये चीट चीट है बाय द वे। आ, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पर डाल रखा है आप वहां से जाके कर सकते हो और मैंने ड्राइव पे टेलीग्राम पे हर जगह अपलोड कर दिया है। आप चाहो तो प्रिंट निकाल लो नहीं तो फोन से बस एक बार रिवाइज कर जाओगे तो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी

तो एवेंस को लाइटली ले लिया था बहुत ज्यादा तो ये भी एक चीज है अब समझ हैं इसको क्या कहता है ये कहता है जो स्टोरी है ना वो स्टोरी आपको पता है क्या डिफाइन कर रही है वो स्टोरी ये बता रही है कि यस yes. ये जो स्टोरी है ये स्टोरी डिस्क्राइब क्या कर रही है ये डिस्क्राइब कर रही है कॉन्फ्लिक्ट को ठीक है एक कॉन्फ्लिक्ट को किस चीज की कॉन्फ्लिक्ट को कि कैसे क्रिमिनल जो है और लॉ इम्पोजिंग अथॉरिटीज जो है उन दोनों के बीच के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हो रही है इधर लॉ इम्पोजिंग अथॉरिटीज लॉ इम्पोज कर रही है चार बातें कर रही है वो आराम से प्रिकॉशन ले रही है उन्होंने प्लानिंग कर रखी है वो अपने अलग ही कॉन्फिडेंस में चल रही है और इधर क्रिमिनल की अपनी नेक्स्ट लेवल प्लानिंग चल रही है All right. and how एंड हाउ criminal तो ये तो एक 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 तो पॉइंट तो हो गया कि ये कॉन्फ्लिक्ट है between क्रिमिनल एंड लॉ imposing अथॉरिटीज दूसरा हाउ शार्प क्रिमिनल manages टू एस्केप फ्रॉम prison फोर्थ टाइम बिफोरिंग द prison ऑफिशियल दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किस तरीके से Evans ने अपना दिमाग लगाया और वो चौथी बार प्रिजन से भागने में सक्सेसफुल हो गया तो उसने क्या दिमाग लगाया और कैसे दिमाग लगा कि वो चौथी बार जो है प्रिजन से भागने के लिए भागने में सक्सेसफुल हो गया इट शोज द लैक ऑफ इंटेलिजेंस ये एक और पॉइंट हमारा बन सकता है और वो है इट शोज द लैक ऑफ इंटेलिजेंस अलर्टनेस एंड शार्प विटेडनेस ऑन द पार्ट ऑफ द प्रिजन अथॉरिटीज ये बताता है कि किस तरीके से प्रिजन अथॉरिटीज ने दिमाग नहीं लगाया वो लोग अलर्ट नहीं थे और और ना ही उन्होंने चालाकी दिखाई मतलब उनसे ज्यादा चालाक तो एवेंस था ऑन द पार्ट ऑफ द प्रिजन अथॉरिटीज के प्रिजन अथॉरिटीज के अगर हम देखें तो उनकी तरफ से कितनी कमियां जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रह गई थी कि वो इतने ज्यादा उन्होंने क्या किया उन्हें लगा एवेंस है मतलब यार क्रिमिनल है इसकी क्या ही क्या कर सकता है ये ये कितना छोटा है बट यही दिक्कत है आप छोटे को हल्के में मतलब मतलब किसी को भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए कोई भी पर्सन का क्या पावर है उसका अंदाजा नहीं है इतना इतना खतरनाक लेवल पे ऑक्सफोर्ड प्रिजन चल रहा है और वो खतरनाक लेवल पे इतने सारे लोगों के साथ में है वो नाक के नीचे से एवं चला गया ठीक है गवर्नर बाय बाय कर रहा है उसको तो आप किसी के इंटेलिजेंस का अंदाजा नहीं लगा सकते हो इसके लिए आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए आपको सामने वाले को कम नहीं आंकना चाहिए ये इसका थीम है कि इन्होंने एवेंस को जो है वो ले लिया था एवेंस को इन्होंने सोचा ये क्या कर लेगा ये तो यहाँ पे जेल के अंदर है भागना ही होता तो रिक्रिएशनल ब्लॉक से भाग जाता ना पर अभी अभी क्या कर सकेगा तो उन्होंने क्या किया था एवेंस को ले लिया लाइटली उन्हें लगा कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा और ये बस अभी इसका यहाँ पे बस नाटक कर रहा है और भागना होता तो रिक्रिएशनल ब्लॉक से भाग जाता तो किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है क्रिमिनल और लॉ uh, मेकिंग या लॉ इम्पोजिंग अथॉरिटीज के बीच में बताता है कि किस तरीके से चौथी बार पागल बना के वो भाग गया और ये भी बताता है कि कितने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट जो थी वो अथॉरिटी हो गई थी कितना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया था तो कितना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो अथॉरिटीज हो गई थी एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है एवन सक्सेसफुली भाग पाया सो so ये सारी चीजें जो है ये इसके थीम के अंदर आएगी मैसेज सेंट्रल आइडिया भी से जैसे भी कहो ये सारी चीजें इसका पार्ट है इसको आप अपने इंट्रोडक्शन एज वेल एज कंक्लूजन में यूज कर सकते हो आई होप यू लाइक द वीडियो इफ यू डेड डोंट फो टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई एज सी इन द नेक्स्ट वन बाय बाय टेक केयर